आपके साथ माधुरी कश्यप। इस बुलेटिन में हम आपको वैश्य समाज से जुड़ी बड़ी खबर दिखाएंगे जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो है जमीनी विवाद से जुड़ी हुई। वैश्य समाज से आने वाले किशन शाह की यादव समाज से आने वाले एक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आखिर कब तक निर्दोष वैश्य समाज के भाई बहनों का खून बहता रहेगा? कब तक बहन बेटियों के साथ अभद्रता होती रहेगी? ये हम आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यादव समाज की ओर से आज एक वैश्य समाज के साथी की हत्या कर दी गई। भागलपुर जिला के नवगछिया के सदुआ गांव के किशन शाह की जमीन विवाद में यादव समाज के द्वारा घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। संपूर्ण वैश्य समाज के जिला कार्यकर्ताओं ने रोड जाम किया। पुलिस प्रशासन के आश्वासन पर जाम को छोड़ा गया। संपूर्ण वैश्य समाज के प्रदेश संरक्षक सुरेश भगत एवं जिला कमेटी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और हर तरह की मदद कर रहा है और हम निरंतर अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। संपूर्ण वैश्य समाज के कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन के संपर्क में भी है। वैश्य समाज के प्रदेश संरक्षक सुरेश भगत कहते हैं कि आज हम पूरे बिहार में वैश्य समाज के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और हम सभी संपूर्ण वैश्य समाज से ये आग्रह करते हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र में संपूर्ण वैश्य समाज की कमेटी का गठन करें, एकजुट हो और मजबूत हो। 26 दिसंबर को झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा द्वारा रांची के बिहार क्लब में वैश्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का और वैश्य समाज का गठन, छोटे दुकानदारों एवं व्यवसायों को 10 लाख तक के ऋण माफी और वैश्य समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की जाएगी। ये निर्णय रांची के स्टेडियम रोड स्थित होटल अलोका में झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक में लिया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू एवं संचालन प्रधान महासचिव बीरेंद्र कुमार ने किया है। भोपाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। साध्वी ने एक बार फिर समाज की वर्ण व्यवस्था को लेकर अजीब तर्क देते हुए कहा है कि शूद्र को शूद्र कह दो तो बुरा लग जाता है, इसका कारण ना समझी है। साथ ही साध्वी ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए क्षत्रिय अधिक से अधिक संख्या में बच्चे पैदा करें। साध्वी प्रज्ञा का ये बयान लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। साध्वी प्रज्ञा ने यह बयान सभा में महिलाओं को संबोधित करते हुए दिया है। सांसद साध्वी प्रज्ञा कहती हैं कि आज के क्षत्रियों को अपने कर्तव्य को समझने और अधिक से अधिक बच्चे पैदा कर उन्हें सेना में भेजने की जरूरत है ताकि वो राष्ट्र के लिए लड़ सके और देश की सुरक्षा मजबूत हो सके। वे आगे कहती हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में चार वर्ग तय किए गए हैं। क्षत्रिय को क्षत्रिय कह दो तो बुरा नहीं लगता, ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दो तो बुरा नहीं लगता, वैश्य को वैश्य कह दो तो बुरा नहीं लगता, लेकिन शूद्र को शूद्र कह दो तो बुरा लग जाता है। उन्होंने कहा है कि इसका कारण ना समझी है। सांसद साध्वी प्रज्ञा का बयान इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है जिसके चलते उन्हें कुछ लोगों की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। अब भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के शूद्र वाले बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। इस बयान से गुस्साए कांग्रेस नेताओं ने उनका पुतला भी फूंक दिया है। साध्वी प्रज्ञा के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने निशाना साधते हुए आरोप लगाए हैं कि इसे एससी एसटी आरक्षण खत्म करने का एक और नया दुस्साहस किया जा रहा है। वहीं हिंदुस्तान आवाम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने कहा है कि एससी एसटी को शूद्र कहने वाली बीजेपी सांसद देश के दलितों से माफी मांगे। मांझी ने आगे कहा कि साध्वी प्रज्ञा अपने बयानों से हमेशा दलितों को अपमानित करती आई हैं। तो देखा आपने कैसे वैश्य समाज पर आघात किए जा रहे हैं जिसके बाद वैश्य समाज में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। अब इस खबर पर आगे क्या कुछ होता है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है, इसकी पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ।